चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, रवि राज दुर्गा क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 मछली। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 10 मछली। मछली किस विधा की रचना है? कहानी है। क्या है? कहानी। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा कि मछली किस विधा की रचना है? कहानी। अब ये मछली चैप्टर जो है ये लिखे कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन लिखे? विनोद कुमार शुक्ल। और ये किस सदी के कवि कहा? 20वीं सदी के कवि कहलाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी किस सदी के कवि है? 20वीं सदी के कवि। विनोद कुमार शुक्ल के बचपन का नाम नरेन। इनके भाई का नाम संतु। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका पहला कविता जो है जय हिंद है, ये कब प्रकाशित हुए? 1971 में। उपन्यास नौकर के कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये जो है उपन्यास है। कहानी पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, दो कहानी है। क्वेश्चन आएगा पेड़ पर कमरा किस विधा की रचना है? कहानी है। महाविद्यालय किस विधा की रचना है? कहानी है। या फिर महाविद्यालय के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा है किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। और ये कविता में वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये कविता है, ये इतने से तो लगता है कि पहुंचा गया दिल्ली में। आगे देखिए था, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी कविता है, ये भी कविता है। आगे यहां ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1, यह कहानी कौन कहानी? मछली कहानी। यह कहानी कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जो मछली कहानी कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। आगे देखिए, यह कहानी मतलब कौन कहानी? मछली कहानी। और मछली कहानी जो है किस परिवार की कहानी है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। वैसे परिवार की कहानी है जो ज्यादा अमीर नहीं है, ज्यादा गरीब भी नहीं है, वे कमाते हैं खाते हैं, इस तरह के परिवार की कहानी है। आज ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो चले, तो चलिए आप लोग को पूछ लेते हैं, ये याद हो जाए तो बताइए था, मछली कहानी कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से। मछली कहानी में कैसे परिवार की कहानी है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मछली किस विधा की रचना है? कहानी है। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। के बचपन का नाम? विनोद कुमार शुक्ल जी किस सदी के कवि है? 20वीं सदी के कवि है। और इनका भाई का नाम संतु। जन्म कब हुआ? 1937 गांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। और यह उपन्यास है नौकर के कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद कीजिए इसको, याद कीजिए। कौन थे बिहार बोर्ड में कब कौन क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है? कहानी पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, दो कहानियां हैं इनकी, महाविद्यालय से लिया गया है मछली कहानी। कविता है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, खिलेगा तो देखेंगे, कविता है ये, कविता है। तो चलिए समझिए अब ये कहानी को आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए आज ये कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या करे, कहानी स्टार्ट करे? हाँ। करे, गाना सुनिएगा, सुना दे, सुनाइए। कौन वाला सुनिएगा? पर जब हिलावे कमर हारमोनिया पर, नोट भर से लतुहरा नथुनिया पर, जब हिलावे कमर हारमोनिया पर। चलिए ध्यान दीजिए, दो भाई है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा,
एक भाई का नाम है नरेन और एक भाई का नाम है संतु। ये चैप्टर मछली कहानी इस तरह से सुनाएंगे ना, इस तरह से सुनाएंगे ना कि अगर आप सुन लीजिएगा ना बढ़िया से, तो इसमें के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। दावा के साथ कह रहे हैं, और एग्जाम में एकदम तय है क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आप लोग बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो, ठीक है? चलिए चलिए। एक इसमें दो भाई है, नरेन और संतु। पहला ऑब्जेक्टिव, नरेन और संतु आपस में क्या है? भाई भाई है, भाई भाई है। अब इनके एक पिताजी है, इसमें कौन है? पिताजी। ये कौन है? पिताजी है, ठीक है। और है इस पात्रा इसमें, और इसमें ये कौन है? दीदी है। कर दीदी है नरेन और संतु के दीदी है। आइए ये कौन है? ये समझ लीजिए ये माता जी है। कौन है जी? माता जी। माता जी। और इसमें एक और है नौकर। कौन है? नौकर। इसका नाम क्या है? भग्गू। क्या नाम है? भग्गू। भग्गू। और समझ देखिए कि इतना लगता है कि पूरा खानदान आ गया है। नरेन और संतु आपस में क्या है? भाई भाई। और ध्यान दीजिए, पिताजी जो है घर में, ये सब कौन परिवार की कहानी है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। किस वर्ग के परिवार की कहानी है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। तो इसमें पिताजी है बाजार जाते हैं। पिताजी कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। और पिताजी बाजार जाते हैं तो बाजार से तीन मछलियां खरीदते हैं। क्या को मछली खरीदते हैं? तीन को मछली खरीदते हैं बाजार से, और झोरा में करके उधर से लाते हैं। तो मछली खरीदने कौन गया था? पिताजी बाजार से। और झोरा में कितने मछलियां लाए? तीन मछलियां। तो आ रहे थे बाजार से मछली ले करके, तो रास्ते में पहुंच गए कौन? नरेन और संतु। नरेन और संतु रास्ते में पहुंच गए, और पिताजी के हाथ से क्या ले लिए? मछली ले लिए। तीन मछलियां था उसमें, दो मछलियां जीवित और एक मरी हुई। क्वेश्चन आएगा झोले में क्या था? मछली। मछली कै गो मछली जीवित है? दो गो जीवित है, और एक मछली मरा हुआ है। यानी झोले में क्या था? मछलियां। कै गो मछली? तीन गो। कितने मछलियां जीवित थी? दो। कितने मछलियां मरा हुआ? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहेगा झोले में कितने मछलियां थी? तीन। जीवित कै गो? दो। मृत्यु कै गो का? एक गो। अब मछली लेके जब पिताजी आ रहे थे उधर से, तो रास्ते में नरेन और संतु पहुंच जाते हैं, और पिताजी के हाथ से झोरा ले लेते हैं, और उधर से दौड़ते हुए आते हैं पतली गली के रास्ते से। कौन रास्ते से? पतली गली के रास्ते से नरेन और संतु दौड़ते हुए आते हैं घर के तरफ। कहाँ? घर के तरफ। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी घर जाएंगे और मछली के साथ खेलेंगे। हम लोग जब छोटे होते हैं, छोटे है ना, कोई फितिंगा वितिंगी सबको पकड़ लेते थे, चूहा वूहा को बांध देते पूंछ में और करके खेलते थे, नहीं खेलते थे ना। तो बचपन में सबका शौक होता है, उसी प्रकार नरेन और संतु का शौक था कि मछली के साथ खेलेंगे। हाँ, तो ये पतली गली के रास्ते से इसलिए घुस गए कि हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे और मछली के साथ खेलेंगे। तो रास्ते में होने लगा बारिश। क्वेश्चन आएगा रास्ते में क्या होने लगा? बारिश होने लगा। और जब रास्ते में बारिश होने लगा तो दोनों भाई बारिश में क्या हो गए? भीग गए। और ठंड लगने लगा किसको? संतु को। और ये ठंड से क्या करने लगे? कांपने लगे। ये जगह को ऑब्जेक्टिव आएगा बिहार बोर्ड में कि ठंड से कौन कांप रहा था? संतु। देखिएगा एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव और आता है कि ठंड से कौन कांप रहा था? संतु। अब आगे सुनिए, ये दोनों भाई घर पहुंचे जैसे तैसे,
और जैसे ही घर आए डायरेक्ट घुस गए स्नान घर। कहाँ घुस गए? स्नान घर आया। और ये छोरा दुनो भाई आके डायरेक्ट कहाँ घुस गया? स्नान घर में घुस गया। और स्नान घर में भरल बाल्टी पानी था। कितना पानी था? भरल बाल्टी पानी था। उसको आधा किया और ओहे में तीनों मछलिया को रख दिया। जैसे तीनों मछलिया का रखा, एक मछलिया कैसे का कैसे हो गया, मतलब मरा हुआ था। क्या था वो? मरा हुआ। एक मछली मरा हुआ था तो जो ऑलरेडी टेर हो गया करेगा उपला जाए ऐसे। और दो मछलिया था जो क्या कर रहा था? तैर रहा था। तैर रहा था। नींद आता है जब ठीक से बैठ जा। आ देखे जा भर घर दे रहा के करा से ठप ठा। हाँ चलिए देखे। हाँ तो दोनों भाई आकर के मछली को कहाँ रख दिए? बाल्टी में। अच्छा घर आते ही बच्चों ने क्या किया? मछली को बाल्टी में रख दिया और खेलने लगा उसके साथ। जैसे ही मछली के साथ दोनों भाई खेलने लगा ना, तो एक मछली उछल करके नाली में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? नाली में। क्वेश्चन आएगा कि मछलियां उछल कर कहाँ चली जाती है? नाली में चली जाती है। और नाली बहुत दूर जाकर के एक मोहरा नदी में मिल जाती है। कौन नदी में जी? मोहरा नदी में। मोहरा नदी में। क्वेश्चन आएगा कि मोहरा क्या है? नदी। नदी है। मोहरा क्या है? नदी है। नदी। याद रखिए सब ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। और जहाँ पांच को ऑब्जेक्टिव याद हो गया तो पांचों को मिला दीजिए सब्जेक्टिव बन जाएगा। सब्जेक्टिव बन जाएगा। आप पांचों को अलग कर दीजिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ऑलरेडी कि तो मोहरा क्या है? एक नदी है। इस चैप्टर में मोहरा नदी के बारे में चर्चा थोड़ा सा है कि नाली जो है, नाली कहाँ जाकर मिलती है? मोहरा नदी से। मोहरा नदी से मिल जाती है। तो मछली उछल करके कहाँ चली जाती है? नाली में। अब ये दुनो भाई दौड़ते जा रहा है मछली को पकड़ने। बहुत दूर चल जाता है मछली को, कैसे उकोगे नाली से पकड़ के लाता है कि और मछली को पकड़ के ले आता है घर। अब मछली को घर ले आता है तब दीदी कहाँ? दीदी यह दीदी। दीदी एक बात बोली थी एकरा नरेन और संतू के कि जब मछली मर जाती है तो उसके आँख में परछाई नहीं दिखती है। ये बात कौन बोला? दीदी। दीदी क्या कहती है कि जब मछली मर जाती है तो उसके आंख में परछाई नहीं दिखती है। दीदी बोली थी। हाँ अब सुनो, नरेन और संतू का इच्छा था कि मछली को लेकर के जाए और कहाँ जाकर के डालेंगे? कुआं में। मछली को कहाँ जाए डाल देंगे? कुआं में। नरेन और संतू का यही मन था कि मछली को ले जाएंगे खरीद के और उसको बाल्टी में डाल देंगे। बाल्टी में डाल के खेले थोड़ा देर, उसको कुआं में डालेंगे और कुआं में डाल करके और ऊपर से हम रोटी तोड़ करके जैसे खाना उसका भोजन होता है गिराएंगे, वो खाएगा, उसको हम देखेंगे, फिर उसको कभी मन होगा तो निकाल लेंगे बाल्टी से ऊपर और खेल के फिर उसको कुआं में डाल देंगे। ऐसा मन में भाव था किसका? नरेन और संतू का। ये जगह एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा कि मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी मन में? तो मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी तो उसके साथ खेलेंगे, मछली के साथ खेलेंगे, उसको इंडा में डाल देंगे, उसके साथ खेलेंगे, जब मन तो होगा निकाल के फिर इंडा में डाल देंगे। ऐसा मन में इसका अभिलाषा था, भाव था दोनों भाई का। तब दीदी क्या बोली थी कि जब मछली मर जाती है तो उसके आंख में परछाई नहीं बनता, परछाई नहीं दिखता है। तब भग्गू आया। कौन आया? भग्गू। तो क्वेश्चन आएगा भग्गू कौन था? नौकर था। भग्गू कौन था? नौकर था। तो भग्गू आया इतना को रेती लेकर के बदले करके मछली को राख में लपेट के खूब पटक पटक के मछली को मार दिया। राख में उसको क्या कर रहा है? घोलट करके और उसको काटने वाला था।
तो नरेन और संतु दोनों देख रहा है खड़ा होकर। क्या कर रहा है नरेन और संतु? खड़ा होकर देख रहा है और उदास हो गया। संतु उदास हो गया कि अब मछली मर गया, कट रहा है, मछली कट रहा है, इसलिए संतु उदास हो गया। यदि क्वेश्चन आएगा कि संतु क्यों उदास हो गया था, तो संतु इसलिए उदास हो गया था क्योंकि मछली कट रहा था, इसलिए संतु उदास हो गया। मछली कौन काट रहा था? भग्गु। हाँ, तो जैसे ही ऐसा भाव हुआ कि वो मछली काट रहा था, उसी वक्त संतु एक मछली को लिया पाजा में और भागने लगा दौड़ करके किधर? कुएं की ओर। क्वेश्चन आएगा मछली लेकर कौन भागा? संतु। संतु मछली लेके किधर भागा? कुएं की ओर। कि मछली को हम कहाँ डाल देंगे? कुआं में। कि इस पर नरेन और संतु के पिताजी क्या किए? धायले तबरा, मतलब ले 500 मारते हैं पिताजी धायले तबरा, तो अलग टेम हो जाता है वो सब। हाँ, नरेन और संतु, संतु जा रहा था, संतु उदास क्यों हो गया था? क्योंकि मछली कट रहा था और मछली धीरे धीरे छीन करके ले आया कौन? भग्गु। क्वेश्चन आएगा मछली लेकर कौन भागा? संतु। संतु के पीछे कौन भागा? नौकर। नौकर भग्गु। क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। अरे अरे अरे, अरे मछली ला मछली ला, मछली को छीनने के लिए कौन भागा? संतु नहीं, भग्गु। संतु के पीछे मछली लेने के लिए। तब संतु के हाथ से मछली छीन करके कौन ले आता है? भग्गु। और भग्गु लाता है मछली, तो फिर ही दोनों विवाह देख रहा है, मछली को टुकड़ टुकड़ देखता है। यदि देखता है तो वो उदास हो गया था क्योंकि मछली अब कट रहा था, है ना? अब उधर चल देला तू, मछली कट रहा था तो संतु उदास हो गया। तब फिर संतु ना मछली को क्या कर रहा है? छू रहा है मछली को। संतु क्या कर रहा है? छू रहा है। तो छूते ही वो हिचक रहा था कि कहीं मछली काट न ले। ये क्वेश्चन एक आता है कि मछली को छूते ही संतु क्यों हिचक रहा था? कि कहीं काट न ले। संतु ये सोच रहा था कि मछली को छुएंगे तो कहीं मछली काट न ले, इसीलिए संतु मछली को छूते ही हिचक रहा था। आगे सुनिए, आगे ध्यान दीजिए। तब मछली को काट करके बनिया से पीस बना दिए कौन? भग्गु, नौकर। अब माता जी क्या कर रहे हैं? मसाला पीस रहे हैं। मसाला कौन पीस रहे हैं? माता जी मसाला पीस रहे हैं। हाँ, और क्वेश्चन आएगा कि मसाला कौन पीस रही थी? माता जी। और मछली कटने के डर से दीदी जो है घर में रो रही है पलंग पर। दीदी घर में क्या कर रही है? रो रही है। कैसे करके रो रही है? सुसुक, कैसे लिखता है? सुसुक, सुसुक कर। हाँ, दीदी जो है घर में पलंग पर क्या कर रही है? रो रही है। कैसे रो रही है? सुसुक सुसुक कर रो रही है दीदी। कहाँ रो रही है? पलंग पर, कमरा में। दीदी कहाँ रो रही थी? कमरा में, कथी पर? पलंग पर। कैसे रो रही थी? सुसुक सुसुक कर रो रही थी, ऐसे करके रो रही थी, ठीक है? हाँ, क्या मछली कट रहा था इसलिए, और साथ साथ उसको भी पिटाई लग रहा था पिताजी से। तब सुनिए, दीदी एक बात बोली थी। क्या बोली थी? कि मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती है, दीदी बोली थी। तब आगे सुनिए, दीदी में और मछली में समानता है। दीदी में और मछली में क्या है? समानता है कि मछली पानी के बिना तरप तरप कर मर जाती है। उसी प्रकार मछली किसी को अपनी व्यथा नहीं कह पाती है, उसी प्रकार दीदी भी घर के कमरे में रहती है, छटपटाई रहती है मछली जैसे, वो भी चार दीवारी में बंद, वो अपना व्यथा किसी को कह नहीं पाती है ना? हाँ, से कह रहा है कौन बात वहाँ से लग गई तेरा? वह बात वह याद आगे लगती ये कमरा में उकाला रोत रहे बात ना करो है ना, यही बात ना ही है। अच्छा, हाँ,
तो दीदी और मछली में क्या समानता है कि मछली जिस तरह तरपती है उसी तरह कौन तरपती है? दीदी तरपती है, छटपटाती है। मछली जल के बिना तरपती है और दीदी घर में से बाहर निकलने के लिए तरपती है। घर से बाहर जाएंगे तब घर में मछली खाने वाला एक के वो व्यक्ति था। कौन था? पिताजी। पूछा घर में मछली कौन खाते थे? पिताजी ही मछली खाते थे, बाकी लोग मछली नहीं खाते थे घर में, है ना। और इस तरह जब मछली कट गया, मछली को पटक पटक के राख में लबेर करके और उसको फूस से रेत करके, तब मछली को मसाला में भूज करके तार करके तब उसको बना करके बड़े चाव से खाए। कौन? पिताजी। कोई नहीं मछली खाए, मछली खाए हैं तो कौन खाए हैं? पिताजी। क्योंकि पिताजी ही मछली खाते थे, बाकी लोग नहीं खाते थे। तब मसाला पीसने का काम कौन कर रही थी? माताजी। माताजी। मोहरा क्या है? नदी है। मछली कहाँ उछल कर चली जाती है? नाली में। मछली ले करके कौन भागा था? संतु। मछली को छूते ही संतु क्यों हिचक रहा था? क्योंकि मछली काट न ले, इसलिए। संतु के पीछे कौन भागा? भगवान। मछली लेने के लिए पिताजी बाजार से क्या खरीदने गए? मछली। झोले में कितने मछलियां? तीन। कै गो मरा हुआ? एगो। जीवित कै गो? दो। हाँ, रास्ते में क्या होने लगी थी? बारिश। ठंड से कौन कांप रहा था? संतु। संतु ठंड से कांप रहा था। दीदी क्या कर रही थी? कमरे में पलंग पर सिसक सिसक कर रो रही थी, है ना। मछली कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। मछली कौन काट रहा था? भग्गू। घर का नौकर कौन था? भग्गू। इतना कहानी समझ गए। ये दोनों जो है, ये दोनों बहुत चिंतित हुआ कि मछली कट गया। मतलब ये दोनों बचपन है इसका, और बचपन में लोग के सामने किसी को हत्या कर दी जाए तो लोग के ऊपर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। और इस तरह ये अपना संवेदना प्रकट किए हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी, क्योंकि इनके बचपन की कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल के बचपन के नाम है कथी? नरेन। और विनोद कुमार शुक्ल को जैसा फील हुआ था, हाउ वाला फील हुआ था, मतलब बचपन जैसा फील हुआ था वही वाला ये फील अभी ये कहानी के द्वारा सुनाए हैं कि किसी जीव जंतु को उनके सामने, बच्चे के सामने हत्या कर दिए जाने से कैसा फील होता है। तो वही हाउ वाला फील था, आगे जाके आप समझ ही जाइए। तो चलिए आपका क्वेश्चन बना के लाइएगा। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन बना के लाइएगा, सब बन जाएगा। एग्जाम में आएगा तो आएगा, एकदम तय है। एग्जाम में आएगा, लिखिए क्वेश्चन इसमें से। घर से बना के आएंगे आप लोग, 10 क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। आप लोग पक्का बना दीजिएगा, हम 10 क्वेश्चन लिखते हैं। ये वीडियो रोक देते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए आप लोग को। अभी जो हम कहानी सुनाए हैं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे ना, अगर ध्यान से सुने होंगे तो ये 10 के 10 क्वेश्चन क्या होगा, एकदम बन जाएगा। 10 के 10 क्वेश्चन एकदम आंख मूंद के बन जाएगा। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? बता चुके हैं कि मछली को लेकर बच्चों की, यानी नरेन और संतु की यह अभिलाषा थी कि मछली को लाएंगे, मछली को कुआं में डाल देंगे, मछली को कुआं में डाल के उसको क्या करेंगे, भोजन खिलाएंगे कुआं में, उसको बड़ा करेंगे कुआं में। धीरे धीरे वो मछली क्या हो जाएंगे? बड़ा हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगी मछली। तो उसको फिर दोबारा निकालेंगे और बाल्टी में रख करके खेलेंगे उस मछली के साथ, और दोबारा फिर उसको कुआं में डाल देंगे। यही अभिलाषा था बच्चों को। आंसर हो गया? तो चलिए ये खत्म। दूसरा नंबर, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते ही ऐसे करके छू रहा था मछली को, है ना। हाँ, हम तोरे छू दे। मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था, डोंट टच मी। मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था ना, क्योंकि संतु डर रहा था मछली से कि मछली कहीं काट न ले। क्यों हिचक रहा था? कि मछली काट लेगा, इसलिए संतु
मछली को छूते हुए हिचक रहा था कि मछली हमें क्या कर लेगा, काट लेगा। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, संतु क्यों उदास हो गया था? संतु इसीलिए उदास हो गया था क्योंकि मछली क्या हो रही थी, काट रही थी, है ना। मछली को भग्गू जो है, या भग्गांग, मछली को भग्गू काट रहा था फासल पर, इसीलिए क्या हुआ, वो उदास हो गया था संतु। और संतु इसलिए फिर उदास हो गया क्योंकि देखा कहीं मछली मर तो ना गया, उसकी आंख में परछाई तो नहीं दिख रहा, इसलिए वो उदास हो गया। ठीक है, इतना बात लिख लीजिए, आपका यही क्वेश्चन कम्प्लीट है। आगे, मछली के बारे में दीदी क्या जानकारी दी थी? तो मछली के बारे में ऑलरेडी दीदी बता चुकी थी कि जब मछली मर जाती है तो उसके आंखों में परछाई नहीं दिखती है, ये ना दीदी बोली थी कि जब मछली मर जाती है तो उसके आंख में परछाई नहीं दिखती है। हाँ, आगे देखिए, ये भी खत्म, उड़ा देंगे 10 के 10 उड़ा देंगे एकदम चुटकी बजाते हुए। आगे देखिए, मछली लिए घर जाने के बाद, यानी घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछली को लेकर के घर आया बच्चे लोग, तो क्या किया, पहले डायरेक्ट घुस गया स्नान घर में, और स्नान घर में घुस करके और बाल्टी भरल था, उसको क्या किया, आधा बाल्टी पानी किया और उसमें मछली को डाल दिया, और मछली के साथ धुलने हुआ खूब खेलने लगा नरेनर संतु, और खेलने लगा, खेलते खेलते मछली को क्या कर दिया, मछली उछल कर नाली में चली जाती, तो फिर उसको पकड़ के लाता है, और ये खेल कूद किया मछली के साथ दोनों बच्चों ने, खूब मस्ती की। हाँ, ये कंप्लीट। आगे, ये झाले लिख दिए, मैं झोले नहीं होगा। चलिए, झोले में मछलियां लिए बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए थे? तो झोला लिए, झोला में मछली ले था, और पतली गली में दोनों भाई इसलिए घुस गया क्योंकि रास्ते में हो रही थी बारिश। ये दोनों भाई सोचा कि पतली गली के रास्ते से जाएंगे तो बारिश से भी बचाएंगे, और साथ साथ घर जल्दी पहुंचेंगे तो मछली के साथ खेलेंगे, एकदम मछली के साथ खूब खेलेंगे, इसीलिए वो पतली गली के रास्ते से घुस गए कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये खत्म। आगे, दीदी कहाँ और क्या कर रही थी? ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि दीदी सुसुक सुसुक कर रो रही थी पलंग पर, कमरा में, घर में। ठीक है, यानी पलंग पर सिसक सिसक कर रो रही थी दीदी घर में, कमरे में। हो गया, कहाँ रो रही थी, क्या कर रही थी दीदी, आपको मालूम चल गया। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तो पिताजी ऑलरेडी नरेन और संतु दोनों भाई से नाराज थे, तो जब बड़ा रहता है उसके ऊपर अजस्त नहीं ज्यादा आता है, बड़ा था नरेन, तो पिताजी नरेन से गुस्सा थे क्योंकि खुद वो मछली आने के बाद वो खुद तबाह हुआ मछली के चक्कर में, और घर के नौकर भग्गू को, पिताजी को, घर वालों को, सबको तबाह कर दिया, है ना, मतलब मछली को खेलने के चक्कर में वो भी तबाह, वो भी तबाह सब, इसलिए पिताजी नाराज किससे थे, नरेन से पिताजी नाराज थे। आइए, भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा था? तो भग्गू संतु के पीछे भागा था, काला कि संतु मछली लेकर के भाग रहा था कुआं में डालने के लिए, संतु मछली लेकर भाग रहा था कुआं में डालने के लिए, इसीलिए वो संतु के पीछे कौन गया, भग्गू भाग रहा, भग्गू दौड़ करके और छीन करके मछली लाए, ये भी खत्म। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो घर में एक ही व्यक्ति मछली खाते थे, पिताजी, और मछली कैसे बनाई जाती है, तो मछली को पहले क्या करते हैं, पटक पटक के उसको मार देते हैं, मार करके उसको राख लाइए, वो राख नहीं तो कंडा वाला राख, वो राख लाइए, उसको मैं मछली को लपेट दीजिए, खूब रगड़ दीजिए, और रगड़ करके उसको खूब छोड़ाते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऊपर से खुला खुला, नहीं नहीं चिमटा कहते, क्या कहते हैं, चिमटा से, हाँ हाँ वही छोड़ा देते हैं उसको, मार के धो को बढ़िया से, तब काटते हैं उसको, मसाला पीस करके तेल में तार करके मछली को बनाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, ऐसे मछली बनाई जाती है, आप लोग ऑलरेडी पता है, देखिए आप लोग एकदम होशियार है। चलिए,
ये तो आपका 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं कि इसमें से VVI क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कौन हम टिक कर देते हैं उसको तय, याद रखिए एग्जाम में आने के लिए बहुत संभावित क्वेश्चन। संत मछली को छूते संतु गेहूं चक रहा था, ये क्वेश्चन है VVI है। मछली को छूते संतु गेहूं चक रहा था और संतु क्यों उदास हो गया था, ये दो क्वेश्चन बड़ा VVI है। उसके बाद बताते हैं कौन VVI है। ये तीन क्वेश्चन, ऊपर के तीन क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी लिख दिए हैं ये VVI क्वेश्चन है। ए है, तीन को एग्जाम में बराबर पूछता है। आप लोग एकदम बता देते हैं, एकदम याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिए। ये तीन क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आएगा, और ऐसा नहीं कि एक रखकर छोड़ दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। बिहार बोर्ड कौन थे, माथा घुमा इन्ने से हो गया कि कन्हू से डाल देगा, है ना। तो उम्मीद करते समझे होंगे, नहीं तो आप लोग बने रहिए, फिर और ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा ही दिए हैं, ऐसा समझाए हैं कि ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, सब्जेक्टिव भी क्लियर है। ये न समझ में आएगा आप लोग, कैसा हो नहीं सकता। अंत घतवा लाइव आएंगे तो समझा देंगे।